संयोग कुछ ऐसा बना था कि 2003 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की दिल्ली के एक पत्रकार मित्र से एक दिन पहले अग्रिम जानकारी मिल गई थी। यह पता चल गया था कि द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह की ओजपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलने जा रहा है। उन दिनों मैं महेश भट्ट के सानिध्य में एक दैनिक का मनोरंजन परिशिष्ट संभाल रहा था। रहा नहीं गया तो मैंने महेश भट्ट को बता दिया। संभवत उनसे अजय देवगन को पता चला। रात में अजय देवगन के एक सहयोगी का फोन आया। क्या यह सच है कि अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिल रहा है? ठोस जानकारी के बावजूद मैंने टालमटोल के अंदाज में कहा कि हाँ सुना तो है, लेकिन कल तक इंतजार करें। अगले दिन आधिकारिक जानकारी मिलने पर उनके उसी सहयोगी का फिर से फोन आया, अरे आप कल ही कंफर्म कर दिए होते। बहरहाल जख्म के बाद दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से महेश भट्ट, अजय देवगन और उनके प्रशंसक सभी खुश हुए। महेश भट्ट की सिफारिश से अजय देवगन से मिलने और इंटरव्यू करने की कोशिश में मैं सफल रहा। तब उनकी भूत रिलीज हो रही थी। तय हुआ कि ऑफिस में मिलते हैं। अचानक तबीयत ढीली होने से यह मुलाकात उनके आवास के टेरेस पर शिफ्ट हो गई। पत्रकार मित्रों ने पहले से बता रखा था कि अजय मितभाषी हैं, बहुत मुश्किल से जवाब देते हैं। तब मीडिया जगत में ख्याति थी कि आमिर खान और अजय देवगन ने पत्रकारों को दूर रखने के लिए ही पीआरओ रखा है। दोनों के पीआरओ राजेंद्र राव थे और वे इस कला में माहिर थे। खैर आदतन मैं पूरी तैयारी के साथ यह ठान कर पहुंचा था कि अच्छा लंबा और गहरा इन डेप्थ लेकर ही आना है। पूरे इंटरव्यू के चौथाई समय तक अजय देवगन चंद शब्दों और छोटे वाक्यों में जवाब देते रहे। फिर कुछ हुआ, मेरे एक सवाल ने तार जोड़ दिया और उनके जवाबों में प्रवाह आ गया। फिर तो हमारे बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का एक रिश्ता बना, वे आज भी जारी है। 2 हफ्ते पहले राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में उनकी रेड आई है। इस फिल्म में भी वे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ और धुनी नायक के किरदार में हैं। ऐसे किरदारों को निभाने में वे पारंगत हो चुके हैं। गोलमाल जैसी कॉमिक सीरीज के बावजूद दर्शक उन्हें ऐसी भूमिकाओं में खूब पसंद करते हैं। जख्म के बाद प्रकाश झा की मेन स्ट्रीम की रियलिस्ट फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनेता के इस आयाम को खूब मांझा है। दर्शकों को किरदार की ईमानदारी का विश्वास दिलाने के लिए उन्हें संवादों और दृश्यों की अधिक जरूरत नहीं पड़ी। उनकी मौजूदगी ही दर्शकों को भरोसा देती है कि उनका नायक दृढ़ प्रतिज्ञ है, वह हार नहीं मानेगा। खलनायक से वह सीधी भिड़ंत करेगा। रोहित शेट्टी ने उनके इसी व्यक्तित्व को लाउड और नाटकीय बनाकर सिंघम में पेश किया। अभिनेता अजय देवगन के बारे में महेश भट्ट, प्रकाश झा और राजकुमार गुप्ता की राय एक सी है। अजय देवगन की फायदा थी इकोनॉमिकल अभिनेता हैं। वे शॉट्स की बर्बादी नहीं करते।